आर्टिस्ट आर्टिशन एंड आर्टिस्ट इन तीनों में डिफरेंस क्या है इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है उसके बाद इसके सेंस क्या है और इसके यूजेस कैसे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड आर्टिस्ट इसका मतलब क्या होता है आर्टिस्ट का मतलब होता है हु फाइन आर्ट जैसे कि आपको ग्राफिक आर्टिस्ट हो गए या फिर कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आते हैं जिससे डिजाइनिंग की जाती है कैड वगैरह तो उन सबके जितने भी डिजाइनर्स होते हैं फाइन आर्ट से रिलेटेड उनको हम लोग आर्टिस्ट बोलते हैं right? तो स्पेलिंग है? ये इसका मतलब क्या होता है आर्टिशन का मतलब होता है जो क्राफ्ट मैन है जो कुछ बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको जो आ, कार्पेंटर है वो लकड़ी से बहुत सारी चीजों को बनाते हैं उनको हम लोग आर्टिशियन बोलते हैं आर्टिशियंस एग्जाम्पल अगर स्टैचूज बनाते हैं चाहे वो वैक्स का स्टैचू है या फिर स्टोन स्टैच्यूज तो ये सब सारी चीज बनाने वाले को हम लोग में अगर हल्का सा भी चेंजेस आते हैं उसके सेंस से बदल जाएंगे दैट्स वाई ये क्लास बुक करने का मतलब क्या है कि जो आपके मन में कंफ्यूजन होता है फॉर एग्जाम्पल अगर ये तीनों Uh, जो वर्ड्स है आपके फिलर्स में आते हैं, fillers के options में आते हैं हैं के में तो इस चीजों को रिमूव करने के लिए हमें ये क्लास करना पड़ेगा तो आर्टिस्ट ए आर टी आई एस टी मेज अ प्रोफेशनल एंटरटेनर राइट जो सिंगर डांसर होते हैं वो क्या होते हैं आर्टिस्ट होते हैं musicians, artist होते हैं a -R -T -I -S -T, जो एंटरटेन करते हैं दे ऑल आर आर्टिस्ट नॉट आर्टिशियंस एंड नॉट आर्टिस्ट पहले वाला आर्टिस्ट ए आर टी आई एस टी वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इन तीनों में फर्क क्या है अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट में बताइए मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा राइट नेक्स्ट बोर्ड पे आते हैं बैटल वॉर एंड फाइट ओ माय गॉड बैटल वॉर एंड फाइट

किसी भी जगह पर एक लोकेशन को तय कर लिया यहाँ पे मार कर लिया नो दैट इज नॉट बैटल बैटल का मतलब होता, एक होता है बट वो लिमिटेड प्लेस एंड टाइम के लिए होता है वट इज दैट लार्ज ऑर्गेनाइज फोर्सेज राइट दिस वन लार्ज ऑर्गेनाइज्ड एंड फोर्सेस दिस वन एट अ लिमिटेड प्लेस एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट ऐसा नहीं है कि छोटा सा एक दो अपने फ्रेंड्स को बुला करके किसी को भी मार देना वो बैटल कहलाया भाई बैटल ऑफ गांधी मैदान राइट नो नॉट एट ऑल दैट इज नॉट बैटल नाउ कम फॉर द वॉर वॉर व्हाट इज वॉर नाम से ही डर लगता है वॉर War refers to hostilities, shatruta, between nations conducted by their armed forces for unlimited period of time and spread over, over different places. Oh my God, battle. So, ये different है, different क्यों है? क्योंकि इसमें कोई limited place नहीं है, भाई कहीं भी मैं bomb गिरा दूँगा. World War में क्या हुआ था? कि सारे nations एक दूसरे से लड़ने लग गए थे. That is called a war, not battle. So, uh, यहाँ पे हम देख सकते हैं example में the First World War, the First World War. took places in 1914 चलिए मैंने आपका जीएसबी स्ट्रांग कर दिया है 1914 में पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था द बॉर्डर इंसिडेंट्स लेड टू वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बिटवीन राइट सो आई होप आप इस चीजों को समझ गए होगे नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं व्हाट इज फाइट चलो भाई हम लोग लड़ लेते हैं तो देखो नहीं हम लोग नहीं लड़ते हैं. कोई और लड़ता है तो we fight both. Fight refers to combat between two or more person uh, or parties you can say and it is a still shorter result of a quarrel. Chode, chote se ka jo result hota hai, se ho hai, that is called fight between two person or you can say between two parties so say there, there was there was a regular fight between the merchants and laborers so when the people are you know fighting to each other that is nothing but fight and if you talk about the war unlimited place and battle limited place or time i hope you understand and enjoy in the session also right comment differences problems please share now come for the next one ओ माई गॉड डिनाई एंड रेफ्यूज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड और हम लोग हमेशा अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इस वर्ड को यूज करते हैं uh, कि डिनाई और रेफ्यूज का मतलब क्या होगा और इस चीज़ों को अगर नहीं जानते हैं तो फिर ये हमारे कॉन्वर्सेशन में भी और एग्जामिनेशन में भी प्रॉब्लम uh, क्रिएट कर सकता है तो डिनाई का मतलब इनकार करना रिफ्यूज का मतलब भी इनकार करना लेकिन अगर किसी का मैंने प्रपोजल इनकार कर दिया आपने कर दिया वक्त वक्त को उस करने को जनरली आप प्रपोजल इनकार नहीं करोगे फिर भी बाई चांस अगर किसी का आपने एटीट्यूड में आकर के बोला कि नो आई विल नॉट एक्सेप्ट ओके फाइन आई विल नॉट एक्सेप्ट अगर हम पॉजिटिव वे में बात करें तो आई डिनाय और रिफ्यूज योर प्रपोजल दैट विल बी लिटिमेट प्रॉब्लमेटिक एट द टाइम व्हेन यू आर जस्ट डिनाइंग और रिफ्यूजिंग द प्रपोजल बट अगर ये चीजों को आपको अभी खत्म करना है तो स्टे ट्यून और इसको देखते रहिए डिनाय एंड रिफ्यूज का मतलब क्या हो गया इनकार करना बट व्हाट इज द मीन ऑफ डिनाय कैसे किस चीजों को इंकार करते हो आप तो देखो डिनाई किसको को इनकार करते हैं डिनाई मीन डिक्लेयर और नॉन ऑफ एग्जिस्टेंस जिसका अस्तित्व अस्तित्व नहीं है जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है जिसकी इंटिटी नहीं है उसको अगर इनकार करते हैं और जो अनू है भाई अगर किसी ने आप पे एलिगेशन लगा दिया कि आप क्रिमिनल हो आपने ये क्राइम किया है दैट टाइम यू विल जस्ट नॉट रिफ्यूज बट यू विल डिनाई द चार्जेस राइट सो दैट्स व्हाई आई जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल दैट ही डिनाई द चार्ज अब गॉड को किसी ने देखा नहीं है तो आप क्या करोगे ठीक right? right? okay, है अनु के भी बेसिस तो मानता नहीं है राइट तो ही डिनाइडिस्टेंस बट आई आई कैन नॉट डिनाइड राइट ना आई कैन नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मैं इनकार नहीं कर सकता हूं गॉड के एग्जिस्टेंस पर राइट सो अगर मैं थेस्ट तो मैं कहूँगा कि ओके नॉट डिनाई अगर आप अगर कोई भी है, एथिस्ट है तो वो कुछ और अपना जवाब देगा बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज मीन ऑफ डिनाई डिनाई इनकार करना है लेकिन किस चीजों से जो अनट्रू है जो सच नहीं है जिसका अस्तित्व नहीं है उस चीजों से राइट right. जैसे कि कोई चार्जेस आप पे लगा रहा है और आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है तो दैट टाइम से मेरा ऑफर दिस इज नॉट चार्ज दिस इज नॉट एलिगेशन राइट आपने कुछ उसको दिया उसने एक्सेप्ट नहीं किया दैट इज कॉल्ड नॉन एक्सेप्ट एक और डिफरेंस मैं बताऊंगा Uh, इस ऑफर को छोड़ करके अगर आपको रिफ्यूज यूज करना है जनरली रिफ्यूज उस जगह पर होता है जहां पर कोई चीज right? ने गिफ्ट आपको दे दिया यू विल नॉट डिनाइट बट यूज है ना गिफ्ट टैंजिबल चीजें हैं राइट और जनरली इन टैंजल चीजों में डिनाई का यूज किया जाता है तो आई रिफ्यूज टू कैरी आउट रिजॉर्डर्स और यू कैसे ऑफर इफ यू जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग दैट इज कॉल्ड refuse and which is not untrue i mean which is untrue or non-existence that point of time you need to apply deny i hope you are getting these all if you have any kind of the questions query please ask me and comment right now this is very important word seem and appear prateet hona dono ka madhav kya hota hai prateet hona seem lagta hai mujhe lagta hai right तो एक कैसा लगता है एपियर की जैसा लगता है या फिर सीन के जैसा लगता है ले सी सी सीन का मतलब होता है हैव और गिव द इंप्रेशंस और अपीयरेंस ऑफ बीइंग और डूइंग समथिंग कुछ फैक्ट्स है सीन के बारे में व्हिच इज इंपॉर्टेंट सीन कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंसेस व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोग्रेसिव टेंसेस जो आपके कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं उसमें हम लोग इस चीजों को यूज नहीं कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में प्रोग्रेसिव टेंसेस जैसे कि इट्स सीमिंग तो सीमिंग मतलब कि एस ई ई एम आई एन जी वी कांट डू दिस वर्न हम लोग सीमिंग को यूज नहीं कर सकते हाँ सीम्स हो सकता है सीम्ड हो सकता हो सकता है बट प्रोग्रेसिव टेंस में सीम को यूज नहीं करेंगे क्या नहीं करेंगे जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेज है फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस and future perfect continuous so that that point of time we will never use seem in a progressive tense right and what about the seem the second, second fact seem can be followed by the word like like ke can seem use seems like seems like we can but what is happening as cannot be used after seem as ko use nahi seems as he seems as no not at all

तो ऐसा लगता है सीम्स टू बी राइट डू वॉट एवर सीम्स बेस्ट जो आपको सही लगता है वही कीजिए राइट right. तो यहाँ पे सीम्स आप देख रहे हो कि किस तरीके से यूज किया गया है और दो पॉइंट और है कि सीम के साथ में लाइक like, यूज किया जाएगा बट एस केन नॉट बी बीज आई होप यू आर जस्ट गेटिंग दिस ऑल नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एपियर एपियर एंड सीम दोनों का सेंस सिमिलर होता है बट मीनिंग थोड़ी से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं

न नेवर यूज राइट अ कॉमेट सटनली अपियर इन द स्काई राइट अमेट सडनली अपियर इन द स्काई इसमें हम लोग लाइट वाइक लाइक और एस को यूज नहीं करते हैं दीट अपीयर डिज डिजार्टेड दीट्स अपियर डिजार्टेड तो यहां पर आप देख रहे हो कि अपीयर के साथ में कोई भी एस और लाइक जैसे प्रपोजिशन को हम लोग यूज नहीं करते हैं राइट right? तो आप भी इन दोनों में डिफरेंस देख लेना सीन का मतलब क्या होता है इम्प्रेशन होता है इंप्रेशन का मतलब लगना महसूस होना विच इज नॉट विजिबल तो वो सही लगती है तो सही नहीं दिख सकता है राइट लेकिन एक कॉमेंट सडनली अपियर इन द स्काई तो उस चीजों को हम लोग देख लेते हैं ओके वाओ ये अपियर ये आ, मतलब के आ, दिखता है ऐसा दिखता है या फिर स्ट्रीच क्या दिख रहा है डिजॉर्टेड दिख रहा है तो जो दिख रहा है अपियर जो नहीं दिख रहा है फिर भी वो आपको लगता है महसूस होता है देर यू कैन जस्ट अप्लाई सीन आई होप यू अंडरस्टैंड राइट नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड इज वैकेंट एंड एम वैकेंट का मतलब भी खाली और एम का मतलब भी खाली क्या डिफरेंस होता है सो वैकेंट मीज नॉट ऑक्यूपाइड एंड एम टी मीज कॉन्टेनिंग नथिंग मतलब मैं कहना चाहता हूं कि इसमें भाई आप लोग देख लेना आराम से कि जहां पर लिविंग की बात आ रही है ना लिविंग दैट इज कॉल्ड वैकेंट और जहां पर नॉन लिविंग की बात आ रही है नॉन लिविंग दैट इज कॉल्ड एम्प्टी राइट चाहे ग्लास पानी से खाली है तो वहां पे एम्प्टी ग्लास राइट right? और अगर कोई घर है जिसमें इंसान रहते हैं दैट इज वैकेंट राइट ना कोई पोस्ट है जो कि खाली है जिस पर इंसान लिविंग बींगस होते हैं दैट इज कॉल्ड वैकेंट पोस्ट राइट तो जहां भी लिविंग से रिलेटेड खाली है नॉन लिविंग से related, uh, है, उसको हम लोग एम टी बोलते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड ह्यूमन ह्यूमन रिलेटेड रिलेटेड और नॉन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज वेरी I mean, uh, confusing words uh, because un is a rude word which is used to describe not, and this is similar, which is also used to describe not. Right? This and un is equal to show which is, I mean, related to not, non, and something like that. One, you have negative nine Just say interested. So, if I'm just saying disinterested, right. So miss I'm not interested over there I'm not interested. So what would be the meaning of uninterested? Un तो वही बताता है ना कि not interested. लेकिन यहाँ पर meaning दो अलग-अलग अलग-अलग meaning आ रही है disinterested का और uninterested का इस चीज़ों को देख लेते हैं तो what is the meaning of disinterested? Disinterested means free from bias or prejudiced, right? Free from मतलब not biased, right? Not biased, not prejudiced. So, मतलब पक्षपाती नहीं होना दिस इज कॉल्डिस और बाइज नहीं होना चाहिए किसी के पक्षपाती नहीं होने चाहिए जज को तो क्या बोल रहा है अ जज मस्ट बी डिस इंटरेस्टेड इन अ केस और यू कैन से पेरेंट शुड लव हिज चिल्ड्रेन

तो सबसे पहले हम लोग यही समझते थे कि कि दोनों में क्या होता है कि not interested, मतलब जिसमें interest नहीं हो लेकिन यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं पहला में है कि interested, interest नहीं है किसमें तो बाइस्ड होने में उसको इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ वो बाइस्ड हो पक्षपाती हो उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है एंड अन इंटरेस्टेड मीन क्या है कि उसको किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं है इस चीज को एकदम अच्छे से समझ लीजिए for example i am completely uninterested in politics so if i'm just saying uninterested means i don't have any interest i'm least interested in politics but if i'm just talking about disinterested means disinterested means what free from bias or prejudice pakshapati say hamlo uh, me interest a judge should not be uninterested in

ऐसा ना हो कि उसको केस में इंटरेस्ट ना हो तो ये दोनों ही काफी ज़्यादा वर्ड्स हैं, राइट? आई होप कि सारे वर्ड्स आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या क्वेरी है प्लीज कमेंट कीजिए सो दैट हम लोग उसका फीडबैक दे सके राइट वी विल डेफिनेटली यू नो वेट फॉर योर कमेंट एंड सो दैट वील जस्ट गिव यू फीडबैक राइट आई होप यू अंडरस्टैंड और भी बहुत सारे मजेदार वर्ड्स के साथ में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ इस पर लाइक्स एंड कमेंट्स ही बताएगा कि क्या मुझे न्यू वीडियो इस तरीके के अपलोड करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी मिलते हैं हम लोग न्यूज सेशन में Have a nice day. Bye -bye.